अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आपका लास्ट टाइम थे एक्सरसाइज नंबर 3.4। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्टेड। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बताई गई है, हमें उनके लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। यहाँ पर हमें नूरी और सोनू की एज बतानी है। इसका पार्ट नंबर 2 है, 5 years ago नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी वो थी, और अगर पॉसिबल है उनमें सोल्यूशन निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड निकालिए। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो इस तरह है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 1 और डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो फ्रैक्शन बनती है 1। उसके बाद इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन कौन सी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। आइए हम सपोज कहेंगे लेट फ्रैक्शन बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, हमने मान लिया ये फ्रैक्शन है, एक है। ठीक है, एंड पता इस पर क्वेश्चन, यहां पर इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर दैट मीन्स एक्स प्लस 1। नाउ ए पी क्यू एज पर क्वेश्चन एक्स प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें से हम 1 घटाएंगे वाई माइनस 1। ठीक, इक्वल्स टू फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन बनती है 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए से। तो ये बनता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 1, y माइनस 1। ठीक है, यहां पर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो उसके बाद क्या बनेगा, ये इस तरह से x माइनस y इक्वल्स टू, ये हमें हाँ माइनस 1, इसको हम शिफ्ट करेंगे वहां, ये भी बनेगा माइनस 1, तो वो बन जाएगा माइनस 2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था, पहले आप इसकी लीनियर इक्वेशन बनाकर दीजिए, तो हमने इसको एक इक्वेशन बनाकर दी। उसके बाद अगेन क्वेश्चन जो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है फ्रैक्शन बनती है 1/2 अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 सिर्फ डिनोमिनेटर को, एक्स इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, डिवाइड बाय इसको ऐड कर रहे हैं 1 वाई प्लस 1, तो फ्रैक्शन बनती है 1/2। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1। तो ये बनेगा यहाँ पर इस तरह से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये बन गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर इसके जो इक्वेशंस दो है वो बन गई यहाँ पर ये दो इक्वेशंस। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अगर पॉसिबल है इसका सॉल्यूशन निकाल कर दीजिए विद हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के जरिए से, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालनी है, एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से विद हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। तो यहां पर हम देखेंगे इन दो इक्वेशंस को, यहां पर है 2x, यहां पर y है, यहां पर y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरह करेंगे, हम करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, विच इंप्लाइज सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इम्प्लाइज यहां पर बनेगी इसका आंसर, हमें करना है फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन।
एक्स माइनस टू एक्स वो कितना बनेगा माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस वाई है, उसके बाद जब हम इसको करेंगे माइनस ये बनेगा यहाँ पर प्लस, फिर वाई प्लस माइनस वाई प्लस वाई वो बनता है जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पर ये है माइनस टू, उसके बाद ये बनेगा फिर से माइनस वन वो बनेगा माइनस थ्री। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस वन, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना इसको, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया माइनस वन, तो ये बनता है यहाँ पर थ्री, एक्स का वैल्यू हमारे पास थ्री आ गया। अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यूज एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ पर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, इसको हम ले जाएंगे वहां माइनस थ्री, तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू 23 माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस है ये, तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा फाइव। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या थी, एक्स बाय वाई, एक्स के बदले में क्या वैल्यू आया थ्री, थ्री वाई के बदले में फाइव, थ्री बटा फाइव होगी फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था हमें फ्रैक्शन बताइए, इस वाला इस क्वेश्चन वाला वो सो जो फ्रैक्शन करता है इसे सोचो फ्रैक्शन थ्री बटा फाइव, अगर इस आप करो ऐड वन बात करो सब्ट्रैक्ट वन ऐसे बने फ्रैक्शन आई वन सॉल्व क्यों दबन, इफ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर ऐड करो उस तरह के चोर पत करो सब्ट्रैक्ट आख यथ पांच वालों आख तरह के चोर, फोर बाई फोर इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम प्रोसीड करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ पर हमें नूरी और सोनू की एज बतानी है, इसका पार्ट नंबर टू है। 5 years ago नूरी वाज 3 times एज ओल्डर एज सोनू, 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी वो थी 3 गुना सोनू की उम्र के बराबर। 10 years लेटर आपके बाद 10 साल जब होंगे नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज सोनू, नूरी होगी 2 गुना किसके बराबर सोनू के बराबर। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें बताना है नूरी एंड सोनू की जो उम्र है वो कितनी उम्र है। तो आइए यहां पर हम इसको बता देते हैं। तो मैंने यहां पर सपोज किया लेट नूरी इज प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सोनू इज प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है, नूरी की एज एक्स और सोनू की एज मैंने वाई सपोज की है, तो उसके बाद गेहूं यहां पर लिखा मैंने एज पर क्वेश्चन 5 years ago 5 साल पहले। देखिए अगर मैंने इस वक्त नूरी की एज सेट की है एक्स, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी बताइए आप ही से। इस वक्त मेरी एज है, मेरी उम्र है 30 years, तो इससे पहले 5 साल मेरी उम्र क्या कितनी, माइनस करेंगे ना आप इसको 30 माइनस 5 इज 25, तो यहां पर सेम हुआ। तो इसकी अगर एक्स है तो एक्स माइनस फाइव 5 years विल बी 3 times एज ओल्ड एज सोनू, 3 times एज ओल्ड एज सोनू 3 गुना जितनी उस वक्त उम्र सोनू की होती। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ये बनता है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन, ये मैंने मार्क किया है फर्स्ट इक्वेशन नंबर। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 10 years later जब अब होगी जब अब के बाद 10 साल होंगी उसके बाद दैट्स एक्स प्लस 10, नूरी की उम्र होगी ना जाहिर सी बात है एक्स प्लस 10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 गुना होगी सोनू के बराबर, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू एक्स प्लस 10, इसके बाद 10 साल जब होंगे एक्स प्लस 10, तो तेम पात मंग आय से दोगुनु सा सोनू इस से गुने से सोनू आज तेम इस वाई वाई प्लस 10, तो ये करो इस सालो इसको सालो करेंगे यहाँ पर, ये बनता है एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 10, इसको हमने मार्क किया है पर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड हमें करना है माइनस फर्स्ट। ठीक है, इसको माइनस करना है इसमें से, तो यहाँ पर हमने इस तरह किया एक्स माइनस एक्स वो बनता है जीरो, माइनस टू वाई तो ये बनता है प्लस थ्री वाई, ये क्या बनेगा फिर वाई ही, ये 3y - 2y वो बनता है y इक्वल्स टू 10, ये बनेगा फिर प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स 20, y का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 20 आ गया। ठीक है,
उसके बाद हम इसको फिट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। मैंने यहाँ पर किया है सेकंड में, तो यहाँ पर मुझे आ गया सेकंड में इसका वैल्यू x माइनस टू इंटू वाई के बदले में 20, वो बनता है 40 इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल टू 50, x का वैल्यू मेरे पास 50 आ गया है और y का वैल्यू क्या आ गया है 20। तो यहाँ पर मैंने सेट किया था नूरी की जो उम्र है x, तो x का वैल्यू आ गया 50, तो यहाँ पर नूरी की जो उम्र होगी, एज होगी, वो होगी 50 ईयर्स पंचावरी। तो सोनस सोनस आसी 20 ईयर्स। थैंक्स वेरी मच।